कांग्रेस जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बोले प्रदेश उपाध्यक्ष मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हैं कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में कांग्रेस भवन पर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी शाहिद खान ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष हर हाल में चुनाव की तैयारी में जुट जाए। इस बार फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना है। छत्तीसगढ़ में बने भूपेश बघेल जी की सरकार को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने चौमुखी विकास किया है। हर क्षेत्र में, हर स्तर में, हर जगह जाके, चाहे वो किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, हर जगह उन्होंने काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के लिए उन्होंने काम ना किया हो। उसी का हम कंपैरिजन करते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार जो है वो 9 साल से है, या भ्रष्ट मोदी सरकार है, वो जनता के लिए, चाहे वो आप महिलाओं के लिए ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारों के लिए ले लीजिए, चाहे युवाओं के लिए ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसानों के लिए ले लीजिए, चाहे वो व्यापारियों के लिए ले लीजिए, हर क्षेत्र में असफल और निकम्मी और नकारी रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चौक चौराहे पर पार्टी के नीतियों को मजबूती से रखे, संगठन के नेता जनता के बीच समस्याओं को संकलन करे और समाधान करे। हर हाल में पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपस में संवाद करे, तब जाकर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा। गांव का दौरा करे और जनता का काम करे। सभी पदाधिकारी कड़ी मेहनत कर संगठन को सशक्त बनाए। आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में आज हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे सभी तीनों विधानसभा के विधायकों की उपस्थिति, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे सांसद बीरेश ठाकुर जी, हमारे संगठन के प्रभारी शहीद खान जी, सभी की उपस्थिति में आज हमने बैठक किया है। और बैठक में हम चुनावी जो हमारी ये सत्र जो चालू हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने संगठन को हम और कैसे मजबूत करें, बूथ सेक्टर जोन लेवल तक हम कमेटी को इतना मजबूत कर दें, इस विषय में हम लोगों ने एक समीक्षात्मक बैठक रखे थे। और इस बैठक में सभी से हम लोगों ने आगामी वर्ष की तैयारी, चुनाव जीतने की। और बालोद से रूपचंद जैन की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सी डिविजन टीवी।